ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सोमवार को डीएमएफ फंड घोटाले पर अपराध पंजीबद्ध किया है। ब्यूरो ने प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट पर बड़े पैमाने में डीएमएफ फंड घोटाला कर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को फायदा पहुंचाने का मामला सामने आने पर 120B और 420A के तहत एफआईआर दर्ज की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पिछली सरकार में अधिकारियों ने किस तरह वित्तीय अनियमितता की है, अब ये सामने आते जा रहा है। इस कड़ी में सोमवार को ईडी की रिपोर्ट आने के बाद खलबली मच गई है। रिपोर्ट में बड़े पैमाने में डीएमएफ फंड घोटाला होना तय हुआ है, जिसमें आईएएस अधिकारी सहित कई लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। यह अपराध राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सोमवार को अपराध दर्ज किया है, जिसमें आईएएस रानू साहू और लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के रूप में पदस्थ होते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर वित्तीय लाभ पहुंचाया था, जिससे राज्य सरकार को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा था। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने सोमवार को आईएएस रानू साहू, निविदाकर्ता संजय शेंडे, आलोक कुमार, मुकेश अग्रवाल, ऋषभ सोनी और बिचौलिया मनोज कुमार द्विवेदी, रवि शर्मा, पीयूष सोनी, अब्दुल और शेखर पर धारा 120B, 420 और धारा 7 एवं 12 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।